बाबा, याद की यात्रा में जो जो चेहरे याद आते हैं उनके साथ संपर्क रहता है क्या? याद की यात्रा में ही नहीं, स्वप्न और संकल्प में भी जो जो याद आते हैं उनके साथ हमारा कोई न कोई हिसाब किताब रहा हुआ है, तब याद आते। एक दिन भी जिससे मिला वो भी चेहरा अगर बीच में याद आ गया तो? बुद्धि कमजोर है। जिनके साथ हमने ही हाथ मिलाया है, हमने ही आवाहन किया है, तो याद तो आवेंगे ना। अभी भुलाने की कोशिश करनी पड़ती है तो भी बुद्धि में ये नहीं बैठता, ये सब गिराने वाले हैं। एक बाप ही उठाने वाला है, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सबता जे हरे भजो। वो तो हरि को कृष्ण को शरण लेते हैं, अब कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। फिर भी भक्ति मार्ग में बुद्धि कृष्ण की ओर चली जाती है, देहधारी की ओर चली जाती है। जन्म जन्म के आदि हैं, देह की ओर आकर्षित होने के लिए। बाबा, भक्ति मार्ग में गणेश को पूजा किया जाता है, सरस्वती की पूजा होती है, दुर्गा इसकी भी पूजा होती है, लेकिन ये पूजा करने के बाद फिर इनको डूबी जा क्यों करती है? और एक बात का जवाब पहले फिर और बाद में जी। पूजा की जाती है पवित्रता की, जिन्होंने संगम युग में पवित्र रहने का पुरुषार्थ किया है, और जितना जास्ती ऊंचा पुरुषार्थ किया है उनों की उतनी ही जास्ती पूजा होती है। जैसे शिव की पूजा होती है तो सबसे जास्ती पूजा होती है या कम पूजा होती है? जास्ती। क्यों होती है? शिव को भी पुरुषार्थ करने की दरकार है, फिर क्यों पूजा होती है? अरे शरीरधारी जी साकार था। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। तो शिव भी पवित्रता धारण करता है, वो तो ऑलरेडी है ही है पवित्र, फिर उसकी सबसे जास्ती पूजा क्यों होती है? वो जिसमें प्रवेश करता है वो जिसमें प्रवेश करता है। हाँ।
वो जिस समय प्रवेश करता है वो सबसे जास्ती पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। बाबा ऐसे भी कह सकते हैं कि वो आत्मा शिव की पवित्रता को दुनिया में प्रत्यक्ष करने का भी निमित्त बनता है स्वयं पुरुषार्थ करके संत फादर के रूप में। जो जितना बनेगा वो उतना ही प्रत्यक्ष करने का निमित्त बनेगा। स्वयं नहीं बनेगा तो प्रत्यक्षता कैसे करेगा? तुम बच्चों की अभिव्यक्ति स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। इसे साबित होता है जो जितना अव्यक्त बनेगा निराकारी स्टेज में टिकेगा वो उतना ही चेहरे से और चरित्र से बाप को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो न पतित होता है न पावन बनता है न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। तो फिर किसकी पूजा करते हैं? शिवलिंग की जो सबसे जास्ती पूजा होती है दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मंदिर भी मिले हैं लिंग मूर्तियां भी मिली हैं उससे क्या साबित होता है? जास्ती पूजा कि सबसे जास्ती पूजा शिव की होती है। परंतु शिव तो बिंदु का नाम है और बिंदु की पूजा नहीं हो सकती। बिंदु को याद किया जा सकता है या पूजा की जा सकती है? याद किया जा सकता है परंतु वही बिंदु सूक्ष्म जब बड़े रूप में प्रवेश करता है और वो बड़ा रूप पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ करता है निराकारी स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ करता है तो जितना जास्ती पुरुषार्थ पवित्रता के लिए निराकारी बनने के लिए क्योंकि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कहा जाता है उतनी जास्ती पूजा। फिर जो जास्ती पावन बनता है वो ही जास्ती पतित भी बनता है। लेकिन कोई के पतित बनने की स्पीड धीमी होती है और कोई की पतित बनने की स्पीड तीव्र होती है। इसका राज क्या है? याद याद आत्मस्थिति आत्मस्थिति की नहीं श्रीमत के अनुकूल इसका राज है। जो संगम युग में जितने ही व्यभिचारी बने हैं चाहे दृष्टि से चाहे वृत्ति से तो प्रैक्टिस पक्की हो गई। नीचे उतरने की देवात्माओं में भी कोई देवात्माएं जल्दी जल्दी नीचे उतरती हैं और आठ कला से पहले पहले नीचे उतर आती है। और पतित बन जाती कोई देर में नीचे उतरती है जो जितना पहले पतित बनता है द्वापर कलयुग में
उसमें ऊपर से आने वाली आत्मा पहले प्रवेश कर जाती है। जो जितना देर में पतित बने, धीमी गति से पतित बने, वो अंत में तीव्र गति से पतित बनना पड़े। जैसे राम वाली आत्मा द्वापर और कलयुग में कोई भी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। कर सकती है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स में से कोई भी प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवेश करने वाले को पतित तन चाहिए। पतित पावन को खींचता है। तो पावन आत्माएं जो भी ऊपर से उतरती हैं, वो सब नंबर वार पतित होने वाली आत्माओं में प्रवेश करती है। पहले पतित बन जाते हैं, कोई बाद में पतित बनते हैं। जो पहले पतित बनते हैं वो ज्यादा व्यभिचारी, या जो बाद में पतित बनते हैं वो ज्यादा व्यभिचारी? पहले पतित बन गए। जो पहले पतित बन गए और धर्म पिता या उनके फॉलोअर्स प्रवेश कर गए, वो ज्यादा व्यभिचारी हुए। जैसे इस्लामी, और जो बाद में पतित बनते हैं चौरासी में जन्म में जाकर, माया की उनसे तीव्र लड़ाई होती है, क्योंकि वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो मायावी आत्माएं उन पर आक्रमण करती है। रुद्रमाला के मन के अंतिम जन्म में जाकर के बीज साबित हो जाते हैं। कौन कौन किस धर्म का बीज है, इसी आधार पर। तो चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, पूजा तो होती है, लेकिन पूजनीय नंबर वार हैं कि एक जैसे हैं? पूजा महाकाली की भी होती है और पूजा लक्ष्मी की भी होती है। लक्ष्मी की पूजा वर्ष में एक ही बार होती है, देवियों की पूजा वर्ष में दो बार होती है, दो बार नव दुर्गा पूजन होता है, नवरात्रि मनाई जाती है। शिव की पूजा रोज होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा रोज होती है। तो पूजनीय भी संगम में बनते हैं पुरुषार्थ के आधार पर,
और संगम में ही तमो प्रधान भी बनते हैं। इतने तमो प्रधान बनते हैं कि बाप को अंजान करके फिर भूल जाते हैं। जैसे कि बाप दुनिया में होता ही नहीं, शिवो हम ही सब कुछ है। बात समझ में आई? हाँ जी। क्या इसी से संबंधित क्वेश्चन और आगे थोड़ा सा है? कि राम जी नौवे मनाते हैं लेकिन उसको रुबीजा डुबीजा नहीं करते, कि क्या नहीं कहते? मतलब राम को जो ज्ञान जल में डुबाया नहीं जाता है, कृष्ण को जयंती करते हैं उसको भी डुबाया नहीं जाता है, लेकिन इनको सबको डुबाया गया क्यों? इनको क्यों डुबाया नहीं गया? ये मेरा प्रश्न। गणेश की पूजा होती है द्वापर में और देवियों की पूजा होती है द्वापर में। जब द्वापर खत्म हो जाता है कली का, गणेश भी द्वापर अंत में ही पूजनीय होता है, द्वापर में पूजा नहीं होती। जानवरों की पूजा पहले होगी या पहले देवताओं की पूजा होगी? तो देवताओं की पूजा पहले होती है। जो जानवर बुद्धि है या जानवर बुद्धि बनते हैं तो उनकी बाद में पूजा होती है। देवियों की पूजा द्वापर में होती है या कलयुग में होती है? कलयुग में होती है। कलयुग तमो प्रधान युग है, इसलिए जिनकी थोड़ी पूजा होती है वो ज्यादा श्रेष्ठ है या जिनकी जास्ती पूजा होती है वो ज्यादा श्रेष्ठ? द्वापर के आज से ही शिव की पूजा होती है पहले पहले और अंत तक होती रहती है। गणेश की, हनुमान की, देवियों की, इनकी पूजा तो कलयुग में आकर के शुरू होती है। बाबा, इस्लाम धर्म की मुखिया का महाकामी पतितपना और इस सूर्यवंशी मुखिया का कामी कांड का पतितपना में अंतर क्या है? जो इस्लाम धर्म का मुखिया है वो जानता है मेरे में शिव प्रवेश है, नहीं? फिर व्यभिचारी क्यों बनता है? वो पतितों को पावन बनावेगा? नहीं। फिर भी बनाता है, फिर भी बुद्धि में क्या बात बैठ जाती है कि भगवान अकेला कैसे संग का रंग लगाएगा? कोई तो सहयोगी बनेंगे। उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो अंतर नहीं पड़ेगा। तो बाबा सर, मेरा प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ बाबा जी। पूरा करो, क्या प्रश्न है? मेरा असली में प्रश्न ये है कि इनको डुबाया जाता है लेकिन राम और कृष्ण की पूजा करने के बाद इनको डुबाया क्यों नहीं जाता? अरे, जो आदि से ही सात्विक स्टेज वाले हैं उनको क्यों डुबाया जाएगा? वो तो सात्विक स्टेज से ही आए हैं। जो आदि में सात्विक होगा वो अंत में भी सात्विक होगा। मुसलमानों में एक कथा आती है एडम और ईव की, जी। उनको जन्नत में भेजा गया, उनको कहा गया गंदम फल मत खा, कि ये गंदम फल नहीं खाना। तो एडम और ईव दोनों के बीच में गलती पहले किसने की? ईव ने। अब समझ में आया?
किसकी बुद्धि में से ज्ञान जल्दी निकल जाता है और कोई की बुद्धि में ज्ञान ठहरता है, जल्दी निकलता नहीं है, दूसरे से प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित माना प्रजा। ठीक है बाबा, प्रजापिता वाली आत्मा जब पतित बनता है तब उसमें पावन सोल प्रवेश करते हैं, तो ये प्रवेशता की बात 1936 में लागू होता है, 76 में लागू होता है, या पतित बनना भी बाकी है? पूरा पतित बनना प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? 76। तो जब प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तभी कहेंगे पूरा पाव पतित बन। और तो प्रजापिता के नीचे गिरने की जो है वो 1936 में होता है कि है, इस जन्म में होता है कि पहले जन्म में होता है? 42 से 76 के अंदर। जो आज में पतित बना था वो अंत में भी पतित बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। जास्ती नीचे गिरने के बाद वो पतित होता है कि इस जन्म में होता है? जास्ती पतित नीचे गिरते हैं तो खुद को ही भगवान कहने लग पड़ते हैं, भगवान को ही गाली देने लग पड़ता है प्रजापिता। संकल्पों से जो कर्म होता है वो सूक्ष्म होता है, संकल्प किया उधर कार्य सिद्धि हुआ। ये बोल रहे कर्म कर्मेंद्रियों से होता है, संकल्पों से जो हाँ कर्म होता है, कर्म नहीं होता है, कर्म कर्मेंद्रियों से होता है, संकल्पों से होता है। संकल्पों से वाइब्रेशन बनता है सिर्फ। तीव्र संकल्प किया उधर, तीव्र संकल्प किया तो तीव्र गति से वाइब्रेशन बनेगा तो उधर कार्य सिद्धि हो जाता है। कार्य सिद्धि के लिए प्योरिटी चाहिए। तो ये पहले चंद्रवंशी का होगा या सूर्यवंशी का होगा? जो जितना पावरफुल होगा वो अपना कार्य पहले सिद्ध करेगा, कमजोर होगा तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। जा सकते हैं बाबा? राजयोग से राजा ही प्राप्ति होती है। हाँ जी। तो किस आधार पर? राज जानने के आधार पर। राज को जाना होगा तो राजाई मिलेगी, राज को जाना ही नहीं है कि राजाई प्राप्त करने का राज क्या है। क्या गाड़ी का टाइम बदल गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था, मुश्किल में पढ़ते थे और मुश्किल से जाते थे। और अभी? अभी 5 बजे में जाएंगे। अभी गाड़ी है वो आ रहे हैं, यही सुविधा का लगा रही है। गाड़ी हो सकता है मगर अभी छोटी का रूप में जो पहला गाड़ी है अंधेरा हो गया। आइंदा क्लास जल्दी रख लिया करे हैं। हाँ जी, क्या पूछा? राजयोग से राजा ही प्राप्ति होती है। हाँ, वो राज माने ज्ञान, ज्ञान की बातें जो दुनिया नहीं जानती है, उस राज की बातों को, ज्ञान की बातों को भगवान ही जानता है, भगवान ये आकर के बताता है। कोई नहीं जानता और एक जानता है तो उसे राज कहेंगे या नहीं कहेंगे? राज कहेंगे।
राज है। बाबा जी आकर ज्ञान देते हैं, सब में तो राज भरा हुआ है, वो पहले तो मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, नहीं होता, इसलिए वो हिंसक राजा ही करते हैं। अहिंसक राजाई क्या होती है किसी को पता ही नहीं। तो बाबा राज का बात तो सबको को बता देंगे ना, सबको पर्सनल बताएंगे, सबको बताते हैं, एक को बताते हैं क्या, किसी को पर्सनल पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? तो फिर राज का बात कैसे है? राज की बात ऐसे ही है कि बहुत जानते हैं, 16,000 जानते हैं इस बात को, परिवार के लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, पहले तो एक भी नहीं जानता था, जानता था कोई एक जानता था है? एक भी नहीं जानता। अगर राम वाली आत्मा ने भी राजाई की होगी द्वापर कलयुग में, तो हिंसक राजाई की होगी या अहिंसक राजाई की होगी? हिंसक राजाई की है। दूसरे से कौन? हाँ जी बाबा, से इब्राहिम वाला पतित बनना, राम वाला पतित बनना, वो समझ में नहीं आया। अरे इब्राहिम वाली आत्मा इस समय जैसे मान लो विश्व की चोर है, यज्ञ की याद में विश्व किशोर भाऊ कराची में सारा रसद पाकिस्तान से लाते थे और यज्ञ में वो रसद तकसीम होता था, बाकी सब कन्या माता अंदर रही पड़ी थी, कोई को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो संग का रंग किसको लगा? भगवान तो आया, लेकिन भगवान के संग का रंग ज्यादा किसको लगा? विश्व किशोर को लगा या अंदर रहने वाली कन्याओं माताओं को लगा? कन्या माताओं को। तो ज्यादा पवित्र कौन बने? कन्या माता बने। और व्यभिचारी कौन बना? विश्व किशोर। मुसलमानों के संग में आना जाना रहा तो संग का रंग तो लगा ना, फिर जो बाहर जाकर के संग का रंग लगा करके आएगा, अंदर कुछ न कुछ प्रदूषण फैलाएगा या नहीं? फैलाएगा। तो अंदर प्रदूषण फैलाए। तो बाबा वो बात अभी भी लागू होती है, हो सकती है? वो बात अभी भी लागू हो सकती है? क्यों नहीं लागू होगी? जो ज्यादा संग के रंग में दुनिया के रहेगा, भगवान आया हुआ है, जान लिया भगवान आया हुआ है, फिर भी संग का रंग किसका ले रहे हैं? दुनिया का दुनियावी लोगों का। तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पतित बनेंगे। जैसा संग वैसा रंग। बहुत कुछ तारे हैं तो बाहर गए जाना होता है। चलो ईश्वरीय सेवा से ही बाहर गए, लेकिन तौर तरीका तो बुद्धि में नहीं है कि किसको याद करें, कैसे याद करें। जो हमारी बुद्धि में वो संग का रंग लगे, ज्ञान में तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा। अभी भी ऐसे बहुत से भाई बहन होते हैं, ज्ञान की बातों में इंटरेस्ट नहीं, सेवा में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। और सेवा के इंटरेस्ट के पीछे उनका देह भान काम करता है, चेहरे याद आते हैं, कोई ब्रह्मा कुमार से प्रभावित, कोई ब्रह्मा कुमारी से प्रभावित, वो प्रभाव काम करता है सेवा के पीछे, तो प्राप्ति क्या होगी? तो वो आत्मा दृष्टि का जो संयोग होता है द्वापर कलयुग में, उसमें ज्यादा अटैचमेंट में आकर के नीचे गिरेगी तेजी से या कम नीचे गिरेगी? ज्यादा नीचे गिर जाती है, यहाँ तक कि त्रेता का अंतिम जन्म आता है और उस आत्मा में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश कर जाती है।
बाबा अगर कोई आत्मा में ज्ञान भी हो, ज्ञान में इंटरेस्ट हो, बाबा का याद भी हो, फिर भी कुछ बाहर काम के लिए जाना पड़ता है मजबूरी में कुछ कार्यवश, तो उसमें संकरण ज्यादा लगेगा या कम लग सकता है? ये अपनी पहचान और लगन के ऊपर है। पहचान अगर गहराई से है बाप की तो इधर उधर बुद्धि भटकने का सवाल क्यों पैदा होता है? ठीक है, चाहिए कोई भी धर्म का हो संकरण। लैला की बुद्धि मजनू में लग गई और मजनू की बुद्धि लैला में लग गई, अब वो कहीं भी जाता है उसे क्या दिखाई पड़ता है? तो ऐसी प्रीति होनी चाहिए ना, कहीं जाने आने से क्या होता है? बाबा एक अनुभव की बात है कि साकार का जो बाबा का जो साकार पार्टनर है उससे तो हम बच्चों को कभी साकार प्यार तो मिलता नहीं, फिर भी बाबा जब वो सामने बाबा का जो साकार पार्टनरी जो है अभी उससे तो साकार प्यार तो हम बच्चे को मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? नहीं बाबा किसी को मिलता है नहीं। क्यों नहीं मिलता? तो शरीर का साथ जो प्यार होता है, जैसे बाहर की दुनिया के जो पिताजी माँ होते हैं शरीर से जिसे प्यार करते हैं उससे तो मिलता नहीं, फिर भी अनुभव होता है। शरीर का प्यार ज्यादा बड़ा होता है या आत्मा का प्यार, जो प्यारे बच्चे बहुत सेवा करते हैं वो प्यार ज्यादा बड़ा होता है? वही वाला बाबा वही बात है, इसीलिए अरे अनुभव से बाबा जो मिलता है ना वो लगता है। बोल क्या रहे हैं? नहीं बाबा मैं एग्जांपल बोल रहा था कि अनुभव की बात है, फिर भी प्यार ना मिलते हुए भी बाबा का जो भाग्य प्यार ना मिलते हुए। अरे कोई बच्चा ज्यादा सेवा करेगा, ज्यादा आत्माओं को खींच करके बाप के पास लाएगा, बाप की दुकान अच्छी चलाएगा तो बाप का आकर्षण नहीं जाता है? वही जाता है। तो ये कैसे कह दिया? नहीं नहीं मेरा नहीं, कहने का मतलब यह है बाबा वो प्यार तो मिलता नहीं बाहर की दुनिया का, नहीं 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 बाबा शरीर का प्यार जो मैं बोलता हूँ। बाप आकर के शरीर का प्यार सिखाते हैं? नहीं बाबा मेरा बात थोड़ा कंप्लीट होने दीजिए। नहीं मिलता फिर भी, नहीं मिलते हुए भी ऐसा अनुभव होता है कि बाबा का जैसा प्यार दुनिया में कोई दे भी नहीं सकता। हाँ। और मन भी इससे संतुष्ट होता है कि गदगद भी हो जाता है। कभी कभी मैंने देखा है अभी आंखों में आंसू भी आ जाता है। तो ये प्यार जो होता है व्यक्तिगत स्टेज की बात है या इंस्पिरेटिंग पार्टी के प्रवेश करके ऐसे आंसू दिला देता है या होता है क्या कहा जाएंगे बोलेंगे? क्या पूछ रहे हैं? पता है वो जो पता जो वाइब्रेशन का जो प्यार अभी मिलता है बाबा का है? शरीर का प्यार का इच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो शरीर का प्यार जो होता है तो हद का रहता है, फिर भी मन क्या होता है गदगद हो जाता है। मतलब ऐसा प्यार जैसे कोई देता नहीं, तो अभी तक से मिला नहीं, जैसे अनुभव होता है ऐसा प्यार कोई दिया नहीं अभी तक। हाँ। तो वो जो प्यार होता है कभी कभी आंखों से भी आंसू भी आ जाता है। तो वो प्यार बाबा वो व्यक्तिगत स्टेज की बात है या कोई दूसरी सोल प्रवेश करके वैसे अनुभव करवाता है, उसको क्या कहेंगे बाबा? माला की मणकों में तो सोल भी प्रवेश करती है, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जैसी आत्मा वैसी सोल प्रवेश करेगी। हरेक में हरेक प्रकार की सोल प्रवेश कर जाए, अनुभूति करा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भावनावादी सोल भी हो सकता है? नहीं तो आगे प्रश्न, बाप दादा ने जन्म लेते ही यज्ञ रचा, यहाँ जन्म मना क्या? पहचान होते ही अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रिल का रही। जब पहचान लिया कि अल्लाह मिल गया तो इस दुनिया का झूठा मानसान अल्पकाल का उसकी क्या चिंता, धरो अपनी धर्मशाला, हम ये चले। बाबा जो नाग होता है, इच्छा नाग, बाबा ने बोला है इच्छा नाग, बाबा ने नहीं बोला इच्छा नाग, इच्छा नाग होता है ना, बाबा ने नहीं बोला इच्छा नाग, आप बोल रहे हैं। हाँ बोलो, भक्ति मार्ग वाली बात है। इच्छा नाग, इच्छा नाग में मणि होता है, और अब होता है कि नहीं होता है, क्या होता है? सांबे तो मणि बोल रहे हैं, सांबे तो मणि होता है ना, जो आज तक किसी को मिली है? बोलते हैं मणि होता है, वही बात आ गई ना, भगवान जो बोलता है वो बात बुद्धि में नहीं बैठती।
मणि न मनन चिंतन मंथन में आती है ना, मणि तो आत्मा ही कहा जाता है ना, तो सबका तो आत्मा ही है। तो क्या नाग में मणि होती है और मनुष्य में मणि नहीं होती? मनुष्य को आत्मा कहा जाता है और नाग को मणि कहा जाता है। मतलब ये संगम युग की भक्ति मार्ग की बात संगम युग में लगती है। अच्छा। कोई बच्चे ही ऐसे हैं जिनके मस्तक में वो मणि चमकती है, मणि माने आत्मा। तो वो नाग को कोई अगर मार दे वो मर जाए तो नागिन का आंख में वो फोटो छाप जाती है और नागिन उसका बदला लेती है। वो नाग नागिनी बेहद में कौन है? भक्ति मार्ग की बात, ये सब भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो सारी संगम युग में ज्ञान मार्ग में लागू होती है। तो नाग नागिन तो कोई होगा ना, सारे मनुष्य नाग ही तो है। तो आँख में छप जाता है उसके। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये प्रैक्टिकल में अनुभव की है? ये सब सुनी सुनाई, सुनी सुनाई बातों में विचार क्यों करते? ये कुछ होगा बेहद का तो बाबा फिर वही बात। बाबा वही जो प्रश्न तो हुआ था कि जब अलग से मिला अल्लाह तो जगह के आदि की बात है। बिल्कुल आदि की बात है और क्या अंत की बात, अंत तो अभी आया ही नहीं। तो उस समय फिर प्रजापिता जगह छोड़ कर चले गए? हाँ बिल्कुल, अलग को तो अल्लाह में ही दिया था ना। हाँ सिर्फ छोड़ के क्यों चले गए? छोड़ के इसीलिए चले गए कि जब झगड़ा यज्ञ में बढ़ा कोई बात को लेकर के तो राजा ही तुम अपनी धरो। अच्छा, अरे ब्राह्मणों के ऊपर कंट्रोल करना है, ब्राह्मणों के संगठन के कंट्रोल की बात है, तुम ही कंट्रोल कर लो, अंत में भी ऐसे ही होगा। ऐसे थोड़े ही कि बेसिक में ही कन्याओं माताओं का राज बढ़ता है ब्रह्मा बाबा की जाने के बाद। जो बेसिक में हुआ है आज में वो एडवांस में नहीं होगा। मुरली में भी बोला ये बाबा भले चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक राज करेगी। तो कौन से मम्मा की बात हुई? छोटी माँ बड़ी माँ की बात है। बाबा गुप्त हो जाएगा, कन्या माताओं के द्वारा स्थापना कराएगा। बाबा जो कृष्ण का निमित्त बनते लक्ष्मी नारायण जन्म देने वाला है, तो उनका साथ में कृष्ण के साथ में जो बच्चा भी और पैदा भी होंगे तो उनका निमित्त कितना मान होंगे? उनके माँ बाप बनेंगे। हाँ जी, वो उनके माँ बाप निमित्त बनेंगे। हाँ तो कितना? और लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं क्या? तो सतयुग में एक ही लक्ष्मी नारायण होते हैं क्या? आदि में नौ ही होंगे। नौ लक्ष्मी नारायण है, नौ लक्ष्मी नारायण के नौ पुत्र भी है। सूरत में नौ अष्टदेव हैं या नहीं है? बाबा सतयुग में देवताओं के नाम होते थे या नहीं होते थे? जैसे द्वापर कली में होते थे। माने बाबा ने झूठ बोला है, राधा कृष्ण नाम थे? नहीं, राधा कृष्ण नाम थे जो देवता है, होते हैं बाबा सब। हाँ, देवताएं उनके टाइटल भी होते हैं, नाम भी होते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड नाम नहीं होते हैं? हाँ वही लक्ष्मी नारायण तो नाम होते हैं हर एक के। हाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। तो द्वापर में से राम सीता जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राम जनरेशन, द्वापर में नहीं त्रेता में त्रेता है। तो उनके जो मुखिया और उनके फॉलोअर्स का भी, फॉलोअर्स मतलब उनके जो ग्रुप के होंगे उनके भी वही नाम होता है नंबर वन? सबके नाम होते हैं, नाम क्यों नहीं होते हैं? 33 करोड़ देवताएं हैं तो उनके नाम तो होंगे, क्योंकि वहाँ बाबा ना शरीर का तो कोई भान नहीं रहता ना, शरीर का नाम से तो कोई बुलाया नहीं जाता था। तो आत्मिक स्थिति होती थी, संकल्प पहुंचता था या इशारे होती थी वो आत्मा समझ जाते थे। तो इसलिए मैंने पूछा वहाँ शरीर तो अलग अलग होते हैं, रूप अलग होते हैं। हाँ जी बाबा, बाबा बहुत गरीब थे बर्थडे के वो कर्ज की बात करने से, कोई फर्क पड़ने से बाबा को
भगवान बना कर सुनो ध्यान से बोल, सुनो माता क्या बोल रही है। बाबा बहुत गरीब थे, बाबा बहुत गरीब, बाबा को गाँव ला कोई जहीं से भी पकड़ के ला के बाबा को राम बनाएंगे, क्या पाठ होता है उसमें भगवान बनाता है। क्या बोल रहे मैं गांव वालों को पकड़ के उसको लाएंगे और उनको पूजा पाठ हो रहा था ये इनको राम और हनुमान बनाएंगे उनकी पकड़ के लाए। हाँ तो क्या हुआ सुने सुने बाबा। हाँ ये सही है, क्या कुछ नहीं समझ में तो बाबा से जब कोई पकड़ के राम बनाए तो राम 12 महीने बनाया जाता है कि सिर्फ एक महीने में बनाया जाता है। जो दशहरा का 10 दिन होते हैं 15 दिन उन दिनों में ही रामलीला होती है, उन दिनों में ही राम हनुमान बनाया जाता है कि साल भर मनाया जाता है। बाबा जो अभी बाबा है वही बाबा से बोलती थी लोग शकर का बात बोल रहे हो। सवाल ये है गरीब है तो गरीब को साल भर खाने को चाहिए या सिर्फ 10-15 दिन खाने को चाहिए? साल भर चाहिए। ये सब बनी बनाई बातें जाने कितनी बनती रहती है। कोई कुछ बोलते हैं कंपनी में, कोई कुछ बोलते हैं। रामलीला में एक ही दो पार्टधारी होते हैं कि ढेर सारे पार्टधारी चुने जाते हैं? ढेर पार्टधारी होते हैं। बाबा जिसने जो कहा बस वही बातें हैं। सत्यवचन महाराज पढ़ती इन्होंने सुना है कि बाबा जब कंपिल में छोटे थे तो राम का जब पाठ होता था नाटक तो उसमें उनका पाठ बसता था, गांव वाले उनको बनवाते थे राम। और जो ढेर के ढेर पाठधारी पाठ बजाते थे, कोई लक्ष्मण बनता था कोई सीता बनता था, उनका क्या है सब? आपका दर्द जुड़ा हुआ माया कैसे दासी बनती है? पूछ रहे हैं जी माया कैसे दासी बनती है? जब हारेगी तो दासी नहीं बनेगी। कोई किसी के ऊपर विजय प्राप्त करता है तो उसे दास दासी बना के रखता है या महारानी बना के रखता है? यहाँ तो संगम में दासी बन जाएगी। यही की बातें हैं जो भक्ति मार्ग में चलती है, वहाँ की कोई बातें नहीं होती सत्युग में। वहाँ कोई भावना ही नहीं होती है कि दास दासी हैं। वहाँ तो परिवार की व्यवस्था है, परिवार में जैसे छोटा भाई होता है सब बड़े भाइयों के पीछे पीछे नीचे नीचे काम करता रहता है, सभी की आज्ञा मानेगा तो उसको दास दासी कहेंगे। ऐसे ही है पहला देवता पहला क्षत्रिय पहला वैश्य पहला शूद्र है। संगठन में कैसा शूटिंग होता है? हाँ पहला देवता पहला क्षत्रिय पहला वैश्य और पहला शूद्र, ये संगठन के कैसे शूटिंग होता है? शूटिंग पीरियड में कैसे शूटिंग होता है? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ तो नाम क्या देता हूँ? तो कोई पहले ब्रह्मा बना, जिस ब्रह्मा का पहला बच्चा बना ब्राह्मण, तो पहला ब्रह्मा कौन बना? अरे ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? तो ब्रह्मा कौन था और पहला ब्राह्मण कौन था? जगदम्बा पहला ब्रह्मा है। जगदम्बा पहला ब्रह्मा, जगदम्बा पहली ब्रह्मा। और उससे पहले पहले किसने सुना? प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ने सुना तो पहला ब्राह्मण हो गया। जो पहला ब्राह्मण हो गया पहले क्षत्रिय वो ही जब सिद्धि प्राप्त होना शुरू होगी राजयोग की तो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनता है नर नारायण। जो पहला नर नारायण बनता है
वही पहला चंद्रवंशी बनता है। बाबा वही पहला वैश्य बनता है, शूद्र बनता है, फिर वही ब्राह्मण बनता है। नई बात क्या है? शूटिंग पीरियड में कैसे शूटिंग होता है? शूटिंग पीरियड में भी हो रहा है ना। पहला ब्राह्मण बना तो पहले नीचे कौन उतरेगा? वही नीचे उतरेगा। नीचे उतरने में सीढ़ियां बनी हुई है, उन सीढ़ियों का नाम है ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। जिस नंबर का वैश्य उसी नंबर का शूद्र, जिस नंबर का ब्राह्मण उसी नंबर का वैश्य शूद्र ब्राह्मण देवता। तो वैश्य का निशानी क्या है? विशियस। वैश्य की निशानी विशियस। लौकिक परिवार में लौकिक परिवार का हिस्सा किताब कब चुकतू होगा? जब आपकी याद का भरता पूरा होगा। आपकी याद जब पूरी होगी तो हिसाब किताब सब चुप्त होगा, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, फिर कोई संस्कारों की टकराहट नहीं होगी किसी से। बाबा भी गुरु बाबा से चार संबंध का बारे में कहा गया है कि हम बच्चों को निभाना है कैसे भी 100% बाप टीचर सदगुरु। और जो टीचर का जो बाबा का संबंध है शिक्षक का, तो शिष्य का भी संबंध होगा जरूर है। शिष्य और शिक्षक का तो संबंध होगा है। तो शिक्षक कुछ पढ़ाता है और उस पढ़ाने से पढ़ाने जो पढ़ाते हैं उसी का तो मनन चिंतन चलता है अंदर में, तर्क वितर्क चलता है। तो उसको समाधान करने हैं तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो कुछ बाबा से वार्तालाप किया जाता है, है? और कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, है? और उसमें भी दिखाया जाता है कोई बाबा का मुख को बाबा ने ये बोला बाबा ने वो बोला, और कोई चीज को बाबा ने क्या बोला उसको और थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए वार्तालाप किया जाता है। तो बाबा इसको कहा जाएगा असुर के लिस्ट में लिया जाएगा। जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। जिज्ञासु प्रश्न करता है अपने और दूसरों के समाधान के लिए, और एक जिज्ञासा करता है विरोधाभास के लिए। तो जो विरोधाभास के लिए जिज्ञासा करता है वो रावण के सिर है। तो बाबा उनको जब सागर मंथन हो रहा है तो उन आत्माओं को सर पकड़ा हुआ दिखाए बोल सकते हैं, और सागर मंथन जो पूंछ पकड़े है बाबा ने जो ज्ञान बताया उसको क्लैरिफाई और करने के लिए, क्योंकि अभी की जो आत्माएं आ रही है पढ़ने लिखने वाले वो तो और अंदर की बातें पूछते हैं, तो बाबा तो हर समय नहीं रहता है। तो हम बच्चों को बाबा का बात को कैसे भी उनको उनका आगे साबित करना है, तो इसलिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे भी क्यों साबित करेंगे? नहीं, सीमत के अनुसार बाबा से क्लैरिफाई साबित करेंगे। हाँ, पहले तो वो मनन चिंतन अपने अंदर चलता है, फिर बाबा से पूछा जाता है जब बाबा आते हैं या लेटर के माध्यम से। मनन चिंतन का रिजल्ट भी तो बाबा से ही वेरीफाई कराना है। जी बाबा, वेरीफाई होगा तभी तो हम दूसरों को बताएंगे। जी तो बाबा, ये वेरीफिकेशन को बहुत ही आत्मा क्या लेते हैं कि ये क्या पुराना भाई ज्यादा वार्तालाप करता है, क्या इसको करना की जरूरत है, नेगेटिव ले लेते हैं, तो अंदर में थोड़ी सी मायूसी आ जाती है। मतलब मायूसी आ जाती है ज्यादा उनके ये संख्या जो नेगेटिव उठाने के लिए जो संख्या ज्यादा होती है कि दूसरे भी बोलते क्या है भाई ज्यादा वार्तालाप करते हैं, बाबा ने बोल दिया बस राजा। क्योंकि उनको अगर कोई ज्ञान का पॉइंट पूछा जाएगा उसी का उत्तर नहीं दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मनसा शक्ति के आधार पर हमारी रचना हो रही है। इस बाबा का क्लैरिफाई आया हुआ है तो हमारे मनसा में बुद्धि जितनी क्लियर होगी तो हमारी रचना भी उतनी ही क्लियर होगी, मतलब लाइन बुद्धि का लाइन क्लियर होगा। इसलिए वार्तालाप करते हैं तो बहुत सी आत्माएं नेगेटिव उठा लेते हैं। बाबा के महावाक्यों का हम जितना चिंतन करेंगे और बाबा की वाणी को हम जितना अध्ययन करेंगे तो दूसरा क्लैरिफिकेशन आवेगा ही नहीं। जी, हर बात का क्लैरिफिकेशन बाबा ने मुरली में ही दिया हुआ है, अब उसे याद करने की क्षमता अपनी अपनी अलग अलग है। किसी की मुरली में कम लगन है, किसी की ज्यादा लगन है। मुरली का अध्ययन करने में जिसकी ज्यादा लगन है उसी का नाम भारत है, कायमे रत रोशनी। हाँ, माने रोशनी।
रोशनी क्या है? ज्ञान की, ज्ञान की ही रोशनी है। ज्ञान क्या है? जानकारी का, जो जानकारी है सच्चाई की वो ही आकर के बाबा देता है। तो जब बाबा ही आया हुआ है तो उसी में लगा रहना चाहिए ना। सद्युग त्रेताजु की राजाई शिव आकर के स्थापन करते हैं। सद्युग त्रेताजु की राजाई जो है शिव आकर के स्थापन करते हैं। और द्वापर कलयुग की राजाई प्रजापति स्थापन करेगा, प्रजापिता द्वारा स्थापन होता है। हाँ जी, तो उसका शूटिंग पीरियड में भी राजधानियों की स्थापना दोनों के द्वारा ऐसा ही होता होगा। शूटिंग पीरियड में भी होता है, शूटिंग पीरियड में एक दूसरे के प्रभाव में चलते नहीं है क्या? सब मुरली के प्रभाव में चलते हैं क्या? नहीं, वही राजधानी की स्थापना भी वैसे ही शिव और प्रजापति द्वारा होता होगा। बिल्कुल होती है। बाबा जब बेसिक में थे भी इतना उमंग था बाबा का ऊपर, फिर भी अरवास में भी आई है, फिर भी बहुत उमंग है, लेकिन अभी तक भी बाबा का ऊपर बहुत उमंग है। लेकिन जब अमृत वेले उठती हूँ, अभी 6 मास की 1 साल हो गया है, थोड़ा बाबा का याद नहीं होता। फिर सुबह जब याद करती हूँ इतना रोना लगता है अंदर में पूरा, बहुत है? बाबा को जब देखती हूँ टीवी में तो इतना रोना आता है पूरा। रोना आता है? रोना क्यों आता है? बाबा को संगम युग रोने का युग है कि मौज मनाने का युग है? जब बापू अमृत वेल में थोड़ा नींद भी आ जाता है और फिर याद करने से दूसरा संकल्प आता है, और सुबह जब याद करने का टाइम इतना रोना आता है। कोई कोई को हंसना भी तो आता होगा लेकिन बाबा के ऊपर तो बहुत निश्चय है। नहीं, जैसे आपको रोना आता है तो कोई ऐसी भी तो आत्मा बैठी होंगी जिनको हंसना आता होगा अंदर से। नहीं बाबा, अंदर अंदर से गदगद होती रहती है। अंदर से तो बहुत बाबा का ऊपर बहुत है। बाबा जब सागर मंथन हुआ कुछ आत्माएं निमित्त बनी, मंदराचल पर्वत, रस्सी जो सांप दिखाया गया, और कुछ देवताएं और कुछ असुर। तो वो जो मेरू बाबा जब बना था, वो जो कछुआ, वो पाटधारी किसका पर लागू होता है? अरे कछुआ विष्णु को नहीं बताया है? हाँ। और मंदराचल पर्वत वो विष्णु ऐसा पर्वत जिसका बुद्धि मंद है, जो मंद रहा। कौन है मंद बुद्धि? ब्रह्मा। फिर और मंदराचल पर्वत हो गया बाबा साहब। चित्रों में भी मंदराचल पर्वत के ऊपर चित्र किसका दिखाते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं बाबा। जो रस्सी हो गई, रस्सी तो साकार शरीर स्वयं बाबा ही है जिसकी खींचातान होती है। खींचातान होती है बाबा। वो जो खींचातान में जब देवता खींचते वो बाबा को कष्ट होता है, या जब असुर खींचते कष्ट होता है? फॉलो करेगा उसमें कष्ट काहे का? हाँ बाबा, कोई फॉलो करता है, पीछे पीछे चलता है, कदम पे कदम डाल के चलता है, उसमें कष्ट होता है क्या? नहीं, उसमें तो और अच्छा लगेगा। बाबा ये जो सागर मंथन होता है सिर्फ बाबा पकड़ता है बार बार, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये ऐसा कहा, वो वैसा कहा, ये ऐसे कैसा हुआ, ये सब मुंह पकड़ना। बाबा ये सागर मंथन का काम कछुआ मतलब विष्णु मतलब वैष्णु? हाँ, विष्णु माना जो न्यूट्रल पार्टधारी आत्मा है वो कछुआ है। बाबा मंथन अभी भी चल रहा है मतलब? वो आत्मा तो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं है। वो आत्मा तो अभी प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं है। फील्ड में नहीं है तो क्या हुआ? माना मुरली का विचार उसकी बुद्धि में नहीं चलता है? फिर क्या बात? मंदराचल पर्वत ही उसकी पीठ पे रखा हुआ है। इतने महावाक्य उसकी बुद्धि में बैठे होंगे एक्यूरेट, उतने और किसी की बुद्धि में थोड़े ही बैठे होंगे। मंदराचल पर्वत आधार और पीठ होगी। हाँ जी। अब जो मंथन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है देवताओं का और राक्षसों का चल रहा है, अभी मंथन ना अभी खत्म हो रहा है। कब खत्म होगा? जब फैसला हो जाए। और अंत में काशी नगर ही बची रहेगी और सब नगरी खलास हो जाएगी। ठीक है, तो फिर काशी नगर में 4.5 लाख होंगे? काशी नगर में 4.5 लाख हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? 2028 माने तेज तेज। हाँ, तो याद का तेज पीने वाले कितने होंगे? जिन्होंने पहचाना होगा वो होंगे, ये जिनको पहचान ही नहीं है पूरी वो होंगे।
भजन तो 4.5 लाख जो प्रजा है और उनकी जो राजवर की आत्माएं हैं वो अच्छी तरह से पहचानती हैं बाप को, वो भी सृष्टि में आवेंगे। तो 2018 से 28 तक 4.5 लाख आत्मा तैयार हो जाएगी। 4.5 लाख क्यों तैयार हो जाएंगे? ज्यादा हो, तुम बच्चों को बोला है वो प्रजावर की आत्माएं तुम बच्चों में आ जाती है क्या? सिर्फ 8 बच्चे। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो प्रजावर की आत्माएं तुम बच्चों में शामिल है? नहीं। बाबा 40 वर्ष लगते हैं अष्टदेव को, और 50 वर्ष के अंदर कितने, 108 या 16,000? राजाई सीखने वाले बच्चे, राजयोग सीखने वाले, राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले कितने हैं? 16,000। तो फिर बाबा ब्राह्मण की दुनिया में तो रह गया, थोड़ा रुको ना, रह काहे के लिए जाए? नहीं नहीं, जो अग्नि परीक्षा होगी जो काशीनगर वासी का ही होगी ना, और दूसरे की जो पहले नंबर में जाएगा उनकी पहले परीक्षा नहीं होनी चाहिए? तो काशीनगर में ही परीक्षा होगी, ऐसे ही नंबर पर परीक्षा सबकी होगी, कोई की आगे होगी कोई की बाद में होगी। बेटी की परीक्षा होगी व्यवस्थिति पढ़ाई का ही की है, प्योरिटी की पढ़ाई है, प्योरिटी की परीक्षा होगी। बाबा है ब्रह्मा के 100 साल लिखे हुए हैं, तो सत्ययुग में 150 साल क्यों आया दिखा? तो सत्ययुग में क्या ब्रह्मा होता है? सत्ययुग में ब्रह्मा होता है क्या? नहीं। बाबा ब्राह्मण के दिन में जालंधर का पाठ किसका है? जो जल को धर के बैठ जाए। वो तो राक्षस का पाठ है। हाँ जी, वृंदा ये बांध आंध रोकते हैं, नंगल डैम आदि बनाते हैं, ये प्रकृति को बांध रहे हैं, ये प्रकृति को स्वच्छंद कर रहे हैं, बांध रहे हैं। फिर बाबा वो व्यक्तिगत इशारा किया जाएगा, वो तो समाज का कल्याण का अर्थ, कल्याण हो रहा है उससे? नहीं, अल्प समय का, इतनी बड़ी जनता दुनिया उसको खिलाना पिलाने के लिए तो सारा विज्ञान काम कर रहा है, और कोई तो फायदा नहीं हो रहा है उसको, खाए में रहना और पहनने सारा साधन वहाँ करता है कुछ नहीं। बाबा अल्प काल की सुख के लिए बांधा जा रहा है। हाँ जी, इसीलिए तो सुख एक भाग रहा है। माता क्या बोल रही थी? बाबा क्रॉन्स पक्षी में बार बार घोंसला बनाता था, और अगस्त कृष्ण घोंसला नहीं बनाता था, अंडे बच्चे रखता था बार बार, आई वो अंडे बच्चे सागर बाहर ले जाता था, अगस्त कृष्ण तोड़ते थे। हाँ जी, तो क्रॉन्स पक्षी जो है वो तुम चिड़िया हो, सागर के किनारे बैठी हुई तुम चिड़िया क्या क्या करती हैं? ज्ञान बार बार अंडे बच्चे तैयार करती हैं, बार बार सागर बहा ले जाता है। कौन सी चिड़ियों की बात है? क्रॉन्स पक्षी। दो शब्द हैं, करो ऊंच ऊंच करो ऊंच करो करो ऊंच। किसको? बाबा का पाठ को ऊंच करना है? नहीं, अपने स्टेट का नाम है करो ऊंच ऊंच करूं ऊंच करूं, लेकिन रास्ता नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है, इसलिए उल्टा रास्ता अपना लिया। बूंद बूंद करके सागर को सुखाना चाहती है। ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही है? ये सागर को सुखाना चाहती है कि नहीं सुखाना चाहती है? सुखाना चाहती है, पर ऐसे सागर सूख जाएगा तो सागर को ही दया आ जाती है। अगस्त जी के रूप में सारा सागर पी जाता है। कौन है अगस्त ऋषि? प्रजापिता। खुद ही अगस्त ऋषि है। तो अगस्त क्या व्याख्या क्या होगा अगस्त ऋषि का? और अगत है इसका है, माने गया, अगत है माने जो गया ही नहीं। सब आत्माएं परमधाम जाती हैं,
उसको जाते हुए कोई देखता है तो गया ही नहीं। ऑलराउंड पार्टधारी है, सी बातें हैं अज्ञान अंधेरा, अज्ञान अंधेरा रात में सी बात। अरे बात तो पूरी उसकी होने दो माता की। तुम कौन से पक्षी हुए? ब्रह्म कुमारी। ओ ब्रह्मा कुमार कुमारी है। वो अंडी बच्चे तैयार करते हैं बार बार, सागर की लहरें आती हैं बहा के ले लेते, बार बार बहा के ले जाती है। वो बनाते हैं एडवांस वाले ले आती है। एडवांस वाले ले आते हैं कि बाप दादा ले आते हैं? बाप दादा ले आते। तो सागर सागर की लहरें बहा ले जाती है, बार बार यही क्रम चल रहा है। तो अगस्त ऋषि को दया आ जाती है चिड़ियों के ऊपर। दया आती है तो क्या करते हैं? सारा सागर को उठा के पी लिया। तो सारे ही ज्ञान जल को कौन पी लेता है? जो पी लेता है उसको अगस्त ऋषि दिखाया गया। पीने के बाद फिर सागर का रूप क्या हो जाता है? खारा, खारा हो गया। कहते हैं सागर खारा हो गया। तो जो भी मुख से ज्ञान निकलता है एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, वो जल क्रौंच पंछियों को खारा लगता है या मीठा लगता है? खारा लगता है, खारा ही खारा लगता है। कोई भी शब्द बोलो, कोई भी ज्ञान की बात बोलो, कोई भी एडवांस का पॉइंट बोलो, उनको खारा लगेगा या मीठा लगेगा? खारा लगेगा, उनको खारा ही खारा लगता है। जबकि बाबा कहते हैं कि सागर मीठा भी है तो सागर खारा भी है।